24 hours longer. तुम्हें क्यों नहीं चाहती कि मुझे इसका जवाब दो? ये नहीं होता तो शायद मैं नहीं आती। ब्रेड पकौड़ा खाया? हाँ जी। Hello food fam and welcome to my world of sinful eating and a very very happy new year to all of you. So excited because this is my look for today's video. Aise karte hain, yellow heart if you love the tomboyish sinful foodie and red heart if you love this new sinful foodie. Title thumbnail dekh ke aapko pata chal hi gaya hoga ki aaj hum khane wale hain langar for 24 hours. I hope you are enjoying Bhagwat Katha ki mini vlogs. अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पूछा था भागवत कथा क्या होती है. भागवत कथा इज बेसिकली अ स्पिरिचुअल रोलर कोस्टर राइड बोल सकते हैं इन माय लेमैन लैंग्वेज, जहां पर 8 दिनों तक एवरीवन लिसन टू कथा कृष्णा जी और उनके सराउंडेड स्टोरीज. ये जो भागवत कथा थी ये अमित भैया ने कराया था उनके मम्मी पापा के 50th एनिवर्सरी पे वृंदावन में, बिकॉज वृंदावन इज लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ टेम्पल्स. एंड जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कथा के बाद हमने होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मली कथा में होती नहीं है. बिकॉज यू नो अमित भैया इज लिटिल डिफरेंट, ही इज वेरी क्रिएटिव, सो ही मेड इट हैपन इन दिस वे कि कथा होती थी, उसके बाद हम सारी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे बिकॉज सारे फैमिली मेंबर्स थे उनके. इसमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को कभी राखियां नहीं बांधी थी. सो एवरी वन वर ऑन दैट स्पेस फॉर 8 days. इट वॉज अ वेरी नाइस स्पिरिचुअल जर्नी. कट टू अभी भी बहुत सारे मिनी ब्लॉग्स बाकी है, बट मैंने सोचा वाई नॉट टू पोस्ट अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बिकॉज यू पीपल वेर मिसिंग इट एंड आई वॉज मिसिंग दिस कॉन्वर्सेशन, यू नो. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट से थैंक यू टांस एवरी वन बिकॉज वी हैव हिट 1 lakh फैमिली एट सिंपल ब्लॉग्स चैनल एंड वी हैव गॉट द प्ले बटन. आई डोंट नो इस चैनल पे हम 1 million कब होगा हमारा और कब मेरा गोल्डन प्ले बटन आएगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन. आज के इस वीडियो में वी शुड गेट 23,000 लाइक बिकॉज 2023 का फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है एंड दैट टू इन दिस अवतार. वूहू, आई लुक सो गुड. 23,000 लाइक्स फूड फैम, लेट्स गो. गाइस आर देयर प्राची विद अस फॉर लंगर बिटू एंड वी हैव गॉट बॉडीगार्ड के 3 बच्चे हुए हैं क्यूटी पाई. यस, मैंने पटना फूड सीरीज थोड़ी सी पोस्टपोन की है, सो इसीलिए मैं कोलकाता वापस आ गई बिकॉज बिट्टू भैया नीड्स लिटिल मोर टाइम टू स्टार्ट द फूड जर्नी एंड ऑल्सो आई वॉज मिसिंग सिंजुबा बहुत ज्यादा. हेलो जैसे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस. सुना तेरा सेवा हो गया? नहीं, तो हम लोग सेवा कर सकते हैं अभी, खा लीजिए पहले उसके बाद. सुना शाम को कीर्तन होगा ना? मैं इस प्लैनेट आई थी जहाँ लंगर सेवा हो रही थी, घुसते मैं काफी सारे फूड फैम से मिली जिनसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा. ये लंगर सेवा गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे के लिए हो रहा था एंड मैंने सबसे पहले जाके माथा टेका अपना एंड बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ पर. और जाते ही सबसे पहले मैंने कड़ा प्रसाद खाया. अगर आपने खाया है तो आई कैन रिलेट टू मी बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्रसाद वन कैन हैव. वहाँ ग्राउंड में हेल्थ चेकअप सेवा थी जहाँ पर फ्री आई चेकअप हेल्थ चेकअप हो रहा था एंड फिर हम लोग गए लंगर सेवा की ओर. वहाँ मैं काफी फूड फैम से मिली जिन्होंने मुझसे पूछा क्या आप यूट्यूबर हो, तो मैंने उनसे ये पूछा. तुसी पंजाबी हो? बड़े सोने लग रहे हो. उसके बाद हम लंगर खाने बैठ गए एंड ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ स्किप था, हम डायरेक्टली लंच कर रहे हैं. लंच में देयर वाज पूड़ी, काली दाल, रोटी, आलू गोभी की सब्जी. विंटर्स एंड आलू गोभी की सब्जी इज टू यम. अब इस प्रसाद को रिव्यू करने की औकात मेरी है नहीं, प्रसाद खाने को मिल रहा है. आई फील दैट आई एम वेरी लकी. अगर टेस्ट की बात करूँ तो आपको ये खाना देख के जितना सोलफुल लग रहा है ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट है. मैं खाना खा ही रही थी तभी एक छोटी सी फूड फैम आके मेरे से मिली. बहुत प्यारा नाम है. प्रसाद अच्छा लगा? हाँ, थैंक यू, बाय बाय. छोटी सी बच्ची से मिलके काफी अच्छा लगा. मैं खाना खा ही रही थी तभी मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे थे. सर्दियों की धूप में खुले मैदान में बैठ के लंगर प्रसाद खाना, वो भी गर्मा गर्म, आप समझ ही सकते हैं कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है. मैं खा ही रही थी तब अचानक से देखती हूँ तीनों प्लेट खाली हो, ये लोग तीनों मेरा वेट कर रहे हैं. खाना खाने के बाद मैं गई पानी पीने. वहां पर इतने कलरफुल ग्लासेस थे कि देख के मन खुश हो गया एंड ट्रस्ट मी, वो पानी भी नॉर्मल पानी नहीं टेस्ट कर रहा था. पानी में भी एकदम अलग सा ही यू नो सुकून था. उसके बाद मैं जहाँ प्रसाद बन रहा
रहा था, मैं वहाँ चली गई, इतना लॉट में मैंने खाना बनते हुए आज तक कभी रियल लाइफ में नहीं देखा, मैंने हमेशा टीवी में देखा है, लोगों की वीडियोस में देखा है, और सारी लेडीज लोग रोटी बना रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे। रोटी बनाने का मन तो मेरा भी किया, बट जैसे ने बोला दीदी आप रोटी जला दोगे, तो मैंने अपना स्टेप पीछे लिया, एंड देन मैंने और जैसे ने डिसाइड किया कि खाना खिलाने का सेवा कर लेते हैं। ट्रस्ट मी दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट नाउ, क्योंकि खाना खिलाना और सेवा करना टफ है, बिकॉज कंटिन्यूअसली आपको उठना बैठना पड़ रहा है, एंड पता नहीं क्यों 8 दिन से मेरी बॉडी पूरी अकड़ गई है, एंड मैं खाना खिला ही रही थी, और उसी बीच आई मेट अ फूड फैम, इनफैक्ट नॉट वन, आई मेट मैनी फूड फैम देयर, एंड आई एम सो लकी कि सबको आके इतने प्यार से फैमिली की तरह बात कर रहे थे, एंड अपने मम्मी पापा से मुझे मिला रहे थे। सेवा कर रही है, खाली फोटो दे रही है, फैन सेवा हो रहा है। ऐसे ऐसे कौन सेवा करता है, जा कर कर अच्छे से कर, सबको अच्छे से खिलाना चाहिए। तन्वी ने बोला 24 आवर्स करो, सो हम आज करेंगे 24 आवर्स लंगर। थैंक यू। आप लोग रहोगे? नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ओके, लवली मीटिंग यू, लवली मीटिंग यू, हैप्पी न्यू ईयर। शाम के सेवा करके बहुत अच्छा लगा, मन एकदम शांत हो गया। अभी हम लोग पिएंगे चाय, शाम की चाय। ये क्या पकौड़ी है पता नहीं, खा के बता क्या है। प्याज पकौड़ी, प्याज पकौड़ी, आज ही नहीं आया। हमारा नाश्ता, वी हैव नूडल्स, चाय, वी हैव जस्सी, वी हैव प्राची, वी हैव मी माइसेल्फ। हमारी पार्टी हो रही है। सब्जी यम यम खाते वक्त ज्यादा रिव्यू नहीं दे पाई थी ना। मैंने बोला मैं खा लूँ उसके बाद खाना, उसने कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने खा कर खा लिया था। ब्रेड पकौड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर से धनिया पत्ता वत्ता डाल के बनाया। अच्छा मेरा एक बाइट मतलब ये पूरा खा लेता हूं निको। तो व्हेन आई केम हियर ना, तो बिट्टू वो बता ही रहा था कि तेरे को ना अपने सारे स्कूल के दोस्त मिल जाएंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आई फाउंड माय फ्रेंड, स्कूल के सारे फ्रेंड्स मेरे को मिल गए। एज यू ऑल नो स्कूल में आई वाज ऑलवेज सराउंडेड बाय ऑल माय पंजाबी फ्रेंड्स, ऑल माय पंजाबी फ्रेंड्स आर हियर। कितना काम कर रहा है यार तू, कितना काम कर रहा है, पहले काश इतना काम करता स्कूल टाइम में, तब तो कोई काम नहीं। कितना सिटी सेंटर 2 में कितना अड्डा, और अभी सारे पाप के प्रायश्चित, खुदरा पाप, खुदरा पाप। तो यहाँ पर ये इधर एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर सेवा चल रही है, यहाँ पर ब्रेड पकौड़े की। कहाँ चला गया निकू? निकू ये रहा, निको तुमने क्यों नहीं शादी की, तुमने क्यों नहीं शादी की, मुझे इसका जवाब दो। सेवा कर रहा है ना, इसलिए सेवा कर रहा है। अच्छा जिनको नहीं पता, निको मेरा स्कूल का बहुत अच्छा दोस्त है। फील सो ग्रेट अपने दोस्तों से मिलके, वो लोग अभी काम कर रहे हैं मतलब सेवा कर रहे हैं, इससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, मैं शाम को उनसे मिलूंगी। हमने बहुत मस्ती की स्कूल लाइफ में, अभी फिलहाल हम खा रहे हैं दाल पकौड़ी। वाओ ग्रेट, मतलब मेरे को खाने पे फोकस ही नहीं जा रहा है, मैं सो मेनी फूड फैम, आई एम फीलिंग सो ग्रेट हियर। टच वुड, लाइक इससे बेहतर नए साल का गिफ्ट हो नहीं सकता था। थैंक यू जस्सी, इसी ने तो करवाया ये। ये नहीं होता तो शायद मैं नहीं आती, मतलब दीदी के लिए करवा दो भैया, मेरे रानी के बंधन को निभाना। गिफ्ट भी दे दे, आ गया तीसरा बंदर। हेलो, बहुत लेट आया, हमने चाउमीन खाया, पकौड़ा खाया, ब्रेड पकौड़ा खाया। हाँ जी चल वापस चल, मिलेगा अभी है, अभी शाम का प्रसाद है ना, उसमें नूडल्स है। शाम का प्रसाद, शाम का टाइम हो गया है तो जल्दी से हमने स्वेटर पहन लिया, बहुत ठंडी लग रही है, मेरा लिपस्टिक उतर गया ना, लगा लूं। सामने लगे यही होगा, सब लोग घुस रहे हैं वहाँ से।
सुबह से यहाँ पर हूँ। पहले हाथ धो, माथा टेकेगा, प्रसाद लेगा, बैठेगा 5 मिनट, अपना मनोकामना मांगेगा, उसके बाद आएगा। सतगुरु सज्जना मिलिया, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय, रुखड़िया पे चढ़े अरदास है जी सरबत खालसा जी को, कथा विचार करन दी हाजरियां सेवावां ते धामा प्रवान करदे हुए सरबत नु असी जी मान्यो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। देखिए तो छोटा है, सेवा कर, नहीं वो तो सेवा कर चुका है, मैं इसको खिला रही हूँ, तुमको खिला के मैं सेवा कर रही हूँ। मेरे को ये नूडल्स बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एकदम सिंपल है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। अभी मैं वेट कर रही हूँ डिनर का, लंगर का, और प्रसाद, डिनर प्रसाद करके फिर जाऊँ। अजीब जानवर है, बस खाते ही रहता है। मेरा भी वही बनाना था, बंद कर, वीडियो पड़ा है। मैं करूँ पैन कैमरा तेरे तरह, अच्छा बना है, कितना वैरायटीज है, कितना कुछ है। अभी अभी डिनर से पहले अभी मैं खा रही हूँ ये छोला कबली चना का चाट, विच इज सो गुड, लाइक सो गुड, मसालेदार। रात के डिनर के लिए पूड़ी थी, छोला आलू का सब्जी था, और हलवा था, दाल थी, आलू गोभी की सब्जी वापस थी, बिकॉज मैंने आलू गोभी और काली दाल सुबह खाई थी, तो मैंने गर्मा गर्म छोला आलू का सब्जी विद पूड़ी एंड हलवा खाया। आई मस्ट टेल यू, पूड़ी छोला का सब्जी हलवा, इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। प्रसाद खा के बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा था ये मिस हो जाएगा, बट तुम ले आया हो। यहाँ पर दूध भी है बट मैं दूध पीती नहीं हूँ, इसलिए सुबह तुम ही पी। गरम गरम दूध अच्छा लग रहा है ना ठंडी में। पता है जलेबी भी, हम लोग जलेबी मिस कर दिए। मैं इतने बोल रहा हूँ इसमें बादाम, केसर, पिस्ता सब है, तो मैं थोड़ा ट्राई कर ले रही हूँ। सब बोलो वाहेगुरु जी। सुबह बच्चा लोगों से मेरा चैनल दिखा रहा है ना, खाना अच्छा लगता है? हाँ, तब फिर मेरे को देखना, ठीक है, खाना ही खाना मिलेगा, ठीक है, बाय बाय। भाई लोग थैंक यू, इसको क्यों बोलूंगी, थैंक यू जेसी, थैंक यू बिट्टू, बिकॉज आज का दिन बहुत अच्छा, तुम आया लेकिन लेके ये लोग आया, वो आया किसी और के साथ आया। So this was all about eating langar food for 24 hours. I hope you enjoy it. I hope you like this video. And मुझे आज काफी अच्छा लगा खाना खा के, इतने सारे फूड फैम से मिलके स्पेशली। एंड यार, इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मिनी व्लॉग, एंड देन डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ डिलीशियस 24 आवर फूड चैलेंज कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैप्पी ईटिंग्स, बाय बाय।